से हैं आप लोग। आज मैं सबवे सर्फर्स कुछ नहीं खेलने जा रहा। आप सोच रहे होंगे ये बंदा सबवे सर्फर्स खेल रहा है। ना भाई, हम नहीं आज सबवे सर्फर्स खेले। आज हम अपनी कहानी अपनी ही जबान में सुनाएंगे। मैंने यूट्यूब सोचने का कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि यूट्यूब बनाने का कैसे सोच लिया। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। पहले मैं और यूट्यूबर्स को देखा करता था, उनकी पे सैलरी, उनके डायमंड प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का बटन देखकर मेरी बड़ी हैरानी होती थी कि ये मेरे हाथ में भी कभी आए। और इंशाल्लाह मेरे हाथ में ये ज़रूर आएगा। जो बंदा ये वीडियो देख रहा है उसके लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मीन फील है, क्योंकि इनके प्राउड की वजह से मैं कभी यहाँ तक ना पहुँच पाता। ये जो लाइक्स करेंगे बंदे या डिसलाइक्स करेंगे, इनकी ही मोटिवेशनल स्पीच से मैं यहाँ पहुँच पाया। अब मैं यही नहीं कह सकता आपसे कि आप लाइक करें मेरा, क्योंकि लाइक और डिसलाइक आपकी मर्ज़ी है। ये चैनल जब मैंने खोला था, मेरा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बेसिक था कि मैंने यहाँ किसी को बुली नहीं करना। आप लोग जानते हैं पाक से इंडिया में रोस्टिंग तो ज़्यादा है, लेकिन रोस्टिंग की इन लोगों की ज़्यादातर ये गुड लैंग्वेज में ही रोस्टिंग करते, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें कॉन्टेक्स्ट दिखानी चाहिए और दूसरे बंदे को बताना नहीं चाहिए। पहले तो मैं ज़्यादातर 20 पर शिप की वीडियो देखता था और उससे पता लगा लेता था, लेकिन फिर मैंने कहा अपने चैनल के अंदर 20 पर शिप से बिल्कुल कॉपी करके नहीं लगाया। ये मैंने सिर्फ एज अ फॉलोइंग किया। मैंने पहले फेसबुक वगैरह अपने अकाउंट्स पर डाली, उसके बाद मेरा दिल किया तो मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेरे यूट्यूब अकाउंट में मैंने व्यू रिकॉर्डर से ऐप डाल लिया। तो इंशाल्लाह जब हम अपने वेबकैम से इसे रिकॉर्ड करूँगा तो आपको अपनी शक्ल भी दिखाऊंगा। तो जो बंदा ये वीडियो देख रहा है उसे बहुत थैंक्स। उसकी प्राउड और फीलिंग के बावजूद ही मैं ये सब कुछ कर पाया, वरना मैं ये सब कुछ कभी ना कर पाता। और बहुत थैंक्स फॉर यू कि आपने हमें इतनी सपोर्ट दी हमारे चैनल को।